हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोती वर्क राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ पार्वती माता का ये अगला पार्ट है। जैसे कि आप सभी देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको एक पार्ट बता दिया है और दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और ये हमारा तीसरा पार्ट है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में लिंक दी गई है, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपके लिए क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसे क्लिक कर दीजिएगा, जिस वजह से मेरी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो आप तक पहुँच जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले तो ये समझाना चाहूँगी कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि हमें तीन मोती पहले ऐड करनी है, फिर दो दो मोती ऐड करनी है, और फिर ये जब हम ऐड कर लेंगे तो इसके नीचे हमें तीन मोती ऐड करनी है, फिर दो दो मोती ऐड करनी है, और इसी तरीके से इस लाइन को कम्प्लीट करना है। टोटल ये जो किनारे वाली मोती है ये टोटल 9 होनी चाहिए, जैसा कि मैंने सेम बना लिया है, आप देख सकते हो उसमें। और ये जो आप, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप अपने हिसाब से रेड मोती ज़्यादा डालना चाहते हो तो रेड ऐड कर सकते हो, मतलब अपने मन से कहीं भी आप रेड या येलो ऐड कर सकते हैं। और ये एक किनारे पे मैंने कहा था आपको कि आप तिरछे जो भी मोती जाएगी उस मोती में रेड ऐड करते जाइएगा, तो जिस वजह से ये जो लाइन है वो बन जाएगी। आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये मैंने पैट जो है बना लिया है। अब इसका जो फेस है ये भी हमने बना के रखा हुआ है, तो इसे कैसे ऐड करना है चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए कि आपको करना क्या है कि जो बीच वाली सबसे मोती है इसके अंदर आपको लगाना है गांठ, जो कि मैंने लगा लिया है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अब इसके अंदर आपको करना क्या है कि लेना है एक जो है स्किन कलर की मोती, और बीच वाली इस मोती के अंदर आपको ऐड करना है इस तरीके से, और फिर से एक लेना है सेम कलर की मोती और इसमें ऐड करना है दूसरी तरफ, ये इस तरीके से ऐड हो गया। और फिर से आप इसे एक धागे में घुमा लीजिए, इसमें ऐड कीजिए, फिर इसमें ऐड कीजिए। और अब जो है येलो वाले में ऐड करते हुए गांठ लगा लीजिए, और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें गांठ लगा है और इसे कट कर दीजिए। तो ये जो है आप देख सकते हो कि सेम तरीके से ऐड हो गया है। अब दोस्तों, इसे करना क्या है कि हमें इसके ऊपर इसे रखना है और इसे ऐड ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है? सेम उसी तरीके से ज्वाइन करना है जैसे कि हमने महादेव जी के पार्ट को ज्वाइन किया था, तो उसी तरीके से सेम इसे ज्वाइन करना है जैसे कि हमने पैरेट झूमर को ज्वाइन किया था सेम। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो इसे ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, पहले किसी भी पार्ट में आप गांठ लगा लीजिए, जैसे कि मैंने लगा लिया है, और गांठ आप यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, कहीं भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ, मैंने गांठ यहाँ पे लगाया और धागे को यहाँ पे लाई हूँ। और इसके बाद एक मोती लेना है और ब्लैक कलर की, और इसके अंदर ऐड कर देना है, इसे हम इस तरीके से कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये आप देख सकते हो ऐड हो गया। फिर हम एक ब्लैक कलर की मोती लेंगे और इसे इसके अंदर ऐड करेंगे, इस तरीके से। और अब हम आएंगे इसमें, और इसके सामने जो मोती होगी जैसे कि ये है, तो अब हम इसके अंदर आएंगे, और इसके अंदर आने के बाद फिर हम लेंगे ब्लैक कलर की मोती। तो ये आप देख सकते हो एक मैंने ब्लैक कलर की मोती ली है, यहाँ पे हमारा धागा है, और ठीक इसके सामने जो इस तरफ दूसरी मोती है इसमें हम ऐड करेंगे, सॉरी। तो ये इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो मोती है वो नीचे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और अब फिर हम इसमें आएंगे और फिर इसमें आएंगे,
और इसके बाद जो अभी हमने मोती ऐड की उसके अंदर आएंगे, और उसके बाद जो इसके सामने मोती है हम इसके अंदर आएंगे। इसी तरीके से इसे पूरा जो है ज्वाइन करना है। अब देखिए, मैंने फिर एक मोती लिया और इसके अंदर ऐड करके इसे भी ऐड कर दिया। यहाँ पे ब्लैक इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है वो ब्लैक है केस की वजह से। तो अब हम इसमें आएंगे और फिर इसमें आएंगे और यहाँ पे जो है हम ऐड करेंगे येलो कलर की, सॉरी स्किन कलर की मोती। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं फिर से ऐड कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको ऐड करते जाना है। ऐसे मैंने बहुत बहुत से आपको ऐसे पार्ट जो है ज्वाइन करके बताया है, जैसे हमने गणेश जी बनाया है, पैरट झूमर बताया है, बत्तख का झूमर बनाया है, या फिर फिश झूमर बताया है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, सेम उसी तरीके से इसे भी ज्वाइन करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी और हमेशा देती हूँ। तो इस तरीके से ये ज्वाइन होगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको इसे इसी तरीके से पूरा जैसे जैसे इसका शेप, ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है यहाँ से ऐड करना स्टार्ट किया है। अब जैसे जैसे इसका शेप है उस तरीके से हम इसे ऐड करते जाएंगे और इसे पूरा ज्वाइन कर लेंगे, पूरे पार्ट को। इस पूरे पार्ट को हमें जो है ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर आप थोड़ा सा जो है जो ऐसी प्लास्टिक होती है उसे ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो अच्छा रहेगा। तो आप इसे ज्वाइन करके अगली वीडियो में मुझसे मिले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके आगे क्या करना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।